तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओरई स्ट्रीट फूड में। आज हम आपको ओरई की एक ऐसी ऐतिहासिक जगह में लेकर चलते हैं जो कि राजा महल मामा के नाम से जानी जाती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्ट्रीट फूड। आज का हमारा ब्लॉग है वो फूड का नहीं होने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ अलग कंटेंट लेके आए हैं आप सभी के लिए। जो आज का ब्लॉग है वो ट्रैवल ब्लॉग होने वाला है। और ओरई में आपने एक महल तालाब का नाम जरूर सुना होगा। एक बार अगर आप ओरई में रहते हैं, अगर नहीं भी रहते होंगे तो भी आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि जो ओरई का महल तालाब है वो बहुत ही फेमस है, क्योंकि जो यहाँ के महल के नाम पर ही बनाए, जो यहाँ के राजा थे उनके ही नाम पर बनाया गया है। तो चलिए वहीं पर लेके चलते हैं, आपको एक्सप्लोर कराते हैं कि वहाँ तक क्या क्या है वहाँ पर, जो लोग बहुत जाते हैं वहाँ। तो जैसा कि और हमने बताई दिया, हम लोग जाने वाले हैं महल तालाब, वहाँ पे जाके देखते हैं और बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि एक्सप्लोर हम और गौरव करने वाले हैं। चलिए लेके चलते हैं। तो फाइनली हम लोग महल तालाब पे पहुँच चुके हैं, तो चलिए अंदर लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा है महल। देखते हैं जो महल तालाब का पीछे वाला व्यू है, लेकिन जो आगे गए थे तो वहाँ पे गाड़ी का इशू पार्किंग नहीं हो पा रही थी, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। चलिए लेके चलते हैं आपको अंदर, एक्सप्लोर कराते हैं महल तालाब कैसा है। तो महल तालाब आपको ये पूरा महल तालाब भी है, लेकिन इसमें घूमने लायक जगह है ना, तो वो आपको पीछे दिख रही है, तो वहाँ पे भी चल के देखते हैं कैसा क्या सीन है। चलिए मिलते हैं। तो हमारे साथ एक भाई और आए थे, चलिए इनके साथ मिलके एक्सप्लोर करते हैं महल तालाब को। चलिए तो हम लोग भाई महल तालाब के अंदर एंजॉय करते हुए घूम रहे हैं महल तालाब में। बहुत जैसा सोचा था, लेकिन मजा तो आ रहा है, लेकिन हम लोग काफी टाइम ओरई में रह रहे हैं, लेकिन पहली बार हम लाइफ में महल तालाब आए हैं। सही है, क्योंकि हमें अपना ब्लॉग बनाना था, क्योंकि आपको दिखाना था कि महल तालाब कैसा है ओरई का। भाई बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, महल तालाब जाओ, महल तालाब जाओ, तो हम महल तालाब आ चुके हैं और आप लोग ये ब्लॉग एंजॉय कीजिए, और जैसा अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए। तो हम लोग फाइनली पुल पे आ चुके हैं महल तालाब के। चलिए देखते हैं कि नाव का क्या कॉस्ट है और क्या प्राइस है, मतलब यहाँ पे और कैफेटेरिया कैसा है, वो एक्सप्लोर कराएंगे आपको। और यहाँ पे देख सकते हैं नाव चल रही है, सारा पूरा एक्सप्लोर आप कराई दिए प्लीज उसमें। तो चलिए आपको नाव में लेके चलते हैं, हम लोग नाव की जो राइड है एंजॉय करेंगे और आप उसके मजे लेंगे। आप तो हमारे साथ है नहीं इस टाइम, तो ये प्राइस है उसके, आप देख लीजिए एक बार। तो बाहर हम लोग जैसे ही आए थे, तो बाहर हम लोग को देख गया पेट्रोल बोट 37 रुपए का, और स्टीमर है 105 का। तो चलिए देखते हैं कौन सी बोट में मजे लेंगे। जो अपना जर्नी रिव्यू बताना चाहूँगा मैं इसके लिए, तो भाई हमें ज़्यादा मज़ा नहीं आया इसमें,
काफी डर गए थे भाई हम लोग, क्योंकि भाई यहाँ पे पैडल वाला सिस्टम है तो मजा नहीं आया। और भाई देख सकते हैं पूरा तो हम लोग पसीने में भीग गए यार, इतनी तो मेहनत लगी है यार, बहुत ज्यादा हो रहे थे यार। अगर घूमना है आप लोग भी आइए, स्टीमर जरूर लें, थोड़ा सा पैसे ज्यादा लगाइए, हम लोग जैसे पैसा नहीं बचाइए, लेकिन आप स्टीमर से घूमिए, सुकून में रहेंगे। नहीं गौरव, तो बढ़िया रहेगा आपके लिए स्टीमर, सबसे बेस्ट ओपिनियन है। और बाकी तो बढ़िया है माहौल तालाब, तो फिर आपको नेक्स्ट एक्सपीरियंस करने के लिए। चलिए अब आपको कैफे एरिया भी दिखाते हैं, कैफेटेरिया में लेके चलते हैं। आप खाने को क्या खाएं? तो अंकल के पास कुछ स्क्वायर जमा थी तो वो हम लोग जाके वापस लेंगे। आए तो हमें सबसे अच्छा चाहिए, यहाँ पे दिखाया जी गुड़िया के बाल है, तो हम इसको टेस्ट करेंगे और बताएंगे कैसा है। आपने खाए तो जरूर होंगे, नहीं खाए तो हम भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो जरूर टेस्ट करूंगा इसको। ये तुम टेस्ट करोगे इसको? यार खा रहे हैं तो टेस्ट ही करेंगे। तो टेस्ट करते हैं फिर, ठीक है चलो मिलते हैं। गौरव के लिए बनवाए हैं गुड़िया के बाल, तो अब गौरव भी उसका रिव्यू बताएगा, तो चलो मिलते हैं गौरव से। तो हमारे गुड़िया के बाल हमारे हाथ में है, तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कैसा है। लेकिन जी आपने हमेशा खाए होंगे काफ़ी जगह गुड़िया के बाल, तो अच्छे ही होते हैं, क्योंकि इसमें चीनी होते हो किस होता ही नहीं है, लेकिन जो यहाँ का टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा ही है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं टेस्ट कर चुका हूँ मैं इसको। जो अंकल हैं जिसके प्राइस है, मतलब अंकल जो प्राइस रखे हैं 20 रुपये रखे हैं एक के, तो आप आइए एंजॉय करिए इसको टेस्ट करिए। तो जैसा कि थोड़ा बहुत प्राइस महंगा हो सकता है क्योंकि उनको भी थोड़ा बहुत चार्जर देना पड़ता है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आप लोग एंजॉयमेंट में है तो 10-20 रुपये नहीं देखने हैं, आप लोग आइए एंजॉय कीजिए मस्ती अपनी। आखिरी में क्या हुआ, हमारे जेब ने एक ही गुड़िया के बाद लिए थे हमारे लिए, तो वो खत्म हो गए। आप देखते हैं कि और क्या है यहाँ पे खाने, उसको भी टेस्ट करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ के डे के सूट देख ही चुके हैं, तो अब आपको नाइट के सूट दिखाते हैं और अपना एक्सपीरियंस हमें जरूर शेयर करना कि आपको यहाँ के नाइट जो नाइट के सूट थे आपको कैसे लगे। जो हमारा एक्सपीरियंस है यहाँ पे आने का, मतलब ठीक है, मतलब ओके है, ज़्यादा बेटर नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक है। अगर आप लोग फ्री हो यहाँ पे इन्जॉय करने आना चाहते हैं, क्योंकि इससे जगह मुझे और कोई नहीं लगे, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। तो नहीं आया है, बाकी अपना गौरव बताएगा। जो मुझे पर्सनली जो है ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि लोग कह रहे थे जो महल तालाब जाइए वहाँ के बुलाओ, हमें चाहिए इतना कुछ खास नहीं है यहाँ पे, लेकिन यह है कि एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस कह सकते हैं किसी लिए घूमने के लिए। मतलब कैफेटेरिया इसका भी टेस्ट जो ओके है, लेकिन ठीक है, मतलब यहाँ के हिसाब से मतलब लोकल ने आपको 20-30 रुपये में अच्छा खाना मिल रहा है, तो ठीक है बर्थ है, मतलब वो वेस्ट ऑफ मनी नहीं है। लेकिन जो वो जो स्टीमर का तो वो प्राइस है बना था, इसलिए हम स्टीमर नहीं थे, इसलिए हम जो पैडल वाली बोट थी उसको ही राइड ली थी, और उसका जो एक्सपीरियंस आपने देख लिया वो भी ज़्यादा खास नहीं लगे। उसमें हम लोग बहुत थक गए थे, एग्जॉस्ट हो गए थे, मतलब गर्मी लग रही थी काफ़ी हम लोगों को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए देव बाय बोलो, ब्लॉग एंड करते हैं यहाँ पर, ठीक है सर। तो यार अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग मिलेंगे, ए ब्लॉग जैसा भी है मज़ा आए, मज़ा तो आएगा वैसे। हाँ ठीक है, आप लोग देख लीजिए, कमेंट्स भी करना है, लाइक भी करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।